तो T20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर वनिंदु हसरंगा का कुछ अलग ही बॉलिंग एक्शन हमें देखने को मिला है, कुछ मलिंगा की तरह कुछ स्लिंगिंग बॉलिंग एक्शन हमें देखने को मिला है। तो इस बॉलिंग एक्शन को आपको देखकर याद आएगी केदार जाधव की, वो भी कुछ इसी तरीके से बॉलिंग करते थे लेकिन उनकी बॉलिंग जो थी वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहती थी। लेकिन वनिंदु हसरंगा की जो बॉलिंग है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रही है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और जब भी उन्होंने इसको जिस तरीके से बॉलिंग की है तो उनको विकेट नहीं मिला है बल्कि उनको काफी ज्यादा यहाँ पर मार पड़ी है। इस T20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर वनिंदु हसरंगा ने 50 रन तक 4 ओवर में दे दिए थे और काफी बुरा प्रदर्शन उनका इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर रहा है। तो गाइस मिलते हैं।